गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। और कैसे हैं आप लोग, मुझे शेयर जरूर करना कमेंट सेक्शन में। और अभी आपने जो क्लिप देखी वो आध्या और दक्ष की सुबह मॉर्निंग की क्लिप है। एक्चुअली जब मैं उठ जाती हूँ और जब दक्ष सोते रहते हैं तो मैं उठकर आराम से झाड़ू लगाने लगती हूँ, मोपिंग करूँगी, सुबह का नाश्ता वगैरह ये सब तैयारी करूँगी, नहाऊँगी। तो अगर कभी भी जब मेरे साथ ही दक्ष उठ जाते हैं तो मुझे उनके साथ खेलना पड़ता है और आधा देर तक सोती रहती है। बट आज सुबह क्या हुआ, मैं चली गई, दक्ष आधा दोनों सो रहे थे। देन मेरे दो तीन काम करने के बाद जब मैं पहुंची रूम में तो ये दोनों लोग जग गए थे, दोनों लोग खेल रहे थे। तो मैंने फटाक से कैमरा उठाया और कैप्चर किया। आध्या और दक्ष दोनों ने देख लिया कि मम्मा कैमरा चला रही है, मतलब मोबाइल चला के रिकॉर्ड कर रही है। आध्या ने देखा तो आध्या किस तरीके से उसके साथ में बहुत वक्त बिताती है ना, वो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और अच्छे से खोल जाए चाय, फिर एक एक चाय पीते हैं मैं और आप। और क्या शाम की चाय आपके साथ, आप शाम की चाय लेते हैं या नहीं, मेरे साथ ये भी शेयर करना। 6:30 बज रहे हैं और हाँ, कल सोमवार था, सावन का सोमवार, कल से बारिश स्टार्ट हुई थी, आज तक लगातार चलती रही है, मतलब बारिश रुकी नहीं है। वो थोड़ी बहुत धीमी हुई है, यानी 2-4 बूंदें गिरने लगती हैं, मतलब बंद नहीं हुई है बिल्कुल भी, तो अभी बंद है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। ये मौसम ना बहुत आलस वाला होता है। आज सुबह से ठंडा मौसम था, आलस लग रहा था, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, बस पड़े थे ऐसे और लोग भी नहीं, मतलब कैमरा भी नहीं उठाया, बातें भी नहीं की आप लोगों से। तो आप बात मेरी वाली आँख थोड़ी सी स्वेलिंग सी लग रही होगी ना, सो नहीं पाती हूँ इसलिए है कि आज सो गई थी दोपहर में, इसलिए है, पता नहीं है क्यों है, बट है ना, बताना जरूर देख कर, है ना स्वेलिंग सी है। तो आध्या और दक्ष फिर से खेल रहे हैं दोनों लोग, क्योंकि मैंने चाय चढ़ाने चली गई थी, वो तब तक ये दोनों फिर से खेलने लगे। और ये दोनों साथ में बहुत खेलते हैं, ये चीज़ अच्छी लगती है मुझको भी। और हस्बैंड कहाँ गए, हस्बैंड गए हैं प्रिंटर ठीक कराने। एक्चुअली प्रिंटर था जो घर का, वो थोड़ा सा पेपर पिक नहीं कर रहा था, पेपर जो है वो पकड़ नहीं रहा था, तो उसको दिखाने गए हैं। हो सकता है सही होकर आ जाए, हो सकता है 1-2 दिन बाद मिले, तो गए हैं वही काम करने के लिए। और आपको आवाज़ आ रही होगी दक्ष की, वो देखिए जोर जोर से खिलखिला के हंस रहे हैं। चलिए चाय पीते हैं। और हमारे दक्ष क्या कर रहे हैं, पापा तो गए, ये तो डोरा है तुम्हारी, देखो बैग में डोरा बनी है, कौन बना है, डोरा है, डोरा हाँ, इसके पापा, वही पापा है जो तुम्हारे पापा, वही इसके पापा। इसके पापा क्या अलग आते हैं क्या, हाँ ये क्या कार्टून है, ये कार्टून है, कार्टून है भाई, ये बाबू वो कार्टून है, वो डोरा है, कार्टून है, आप बेबी गर्ल हो और ये बेबी बॉय है। पहले आप इसे, इसको तो देखो, आप इसको तो देखो, ये क्या कर रहा है, ये देखो आपको देख रहा है, आप दुल्हन बन रहे हो, कहा चाय तो मैं बना रही हूँ, आप कहाँ बना रहे हो, ऐसे ही झूठ मूठ कर चाय बना रही हो। अच्छा तो भाई सब लोग चाय पी लो, आध्या की चाय पिलाओगी आध्या, हाँ पिलाऊंगी।
लो भाई सबके मुंह में गई जाएगी। नहीं गई, डायरेक्ट पिला रही है। ठीक है गई गई गई। ओहो बाबू, मेरा बाबू अच्छे दूध निकालता है। मेरा बाबू ए दक्ष, ओ दक्ष, ओ दच्चू। आज भाई नहीं मिलेंगे ये आपसे, आज नहीं मिल सकते हैं, आज इनका मूड नहीं है। आज तो ये सिर्फ दीदी को निहारेंगे। ये देखो मैंने बोला था ना कि ये आद्या और ये दोनों लोग बहुत खेलते हैं, दक्ष और आद्या बहुत ज़्यादा। और गाइस आज सुबह से ब्लॉग एक कारण और है जो नहीं शूट किया था, क्योंकि आज मैंने फ्रिज साफ़ की है पूरी। फ्रिज पहले जब आई थी तब तो साफ़ की थी, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ रखते रहो उसके बाद ऊपर लाइट से कम जाती है यहाँ पे, तो जैसे ही फ्रीजर में बर्फ़ जम जाती है तो नीचे से पानी निकलता है। आई थिंक जो पीछे वाला भर जाता है तो अंदर से पानी आने लगता है, तो जो सेल्फ थी उसकी उस पर पानी आने लगा, जो लगी हुई थी शेल्फ उसमें पानी से आने लगा था। तो वो सब साफ किया था आज, उसका पूरा फ्रिज में जो मैट बिछी है वो सब निकाल के बॉक्स वगैरह पूरा क्लीन किया था। तो आज फ्रिज भी अच्छी लग रही है मुझे। कोई भी चीज़ साफ़ सुथरी कर दो ना तो और अच्छा। और जब मैं उसको फ्रिज को ओपन कर देती थी तो बस यही कहती थी इसका नंबर कब आ रहा है इसको पूरी तरीके से क्लीन करने का। तो आज आया उसका नंबर जब मैंने कैमरा नहीं लगाया। तब होता है यार, क्या करूँ, बच्चों के देखूँ और ब्लॉगिंग भी करूँ और फ्रिज भी साफ करनी थी, तो मैंने सोचा छोड़ो ब्लॉगिंग थोड़ी देर के लिए, यूट्यूब के लिए थोड़ी देर के छुट्टी पाओ। मैंने सोचा चलो आज अपना काम कर लेंगे, लेकिन दोनों काम अलग अलग हैं, घर का काम और वो हमारा काम है और वीडियो बनाना वो हमारा काम है, तो दोनों कामों को एकदम मिक्सअप नहीं करना है। क्योंकि जिस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है उस चीज़ को क्यों रोकना, अभी दे देंगे। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ब्लॉगिंग करना, अगर मैं दो दिन भी ब्लॉगिंग ना करूँ तो तीसरे दिन ना कीड़ा काटता है ना ब्लॉगिंग करने का, कि क्यों नहीं की मैंने ब्लॉगिंग। तो वही हिसाब हो गया है, आई थिंक सभी ब्लॉगर के साथ में ऐसा ही होता होगा, यूट्यूबरों के साथ में। तो बस वही है, हैंकी से साफ करो बेटा। तो चाय मेरी अभी बनी रही है, अच्छे से खोल रही है, भी मैंने आपको दिखाई है, तो बस अभी थोड़ी देर में लेकर आते हैं चाय। बाबू कह दो, मैंने तो बाबू बन गया हूँ। आज सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठंडक थी, ठंडक वजह से बार बार बाथरूम कर रहा था, तो उसकी पैंटी सारी गीली हो गई हैं और एक भी नहीं बचा है पैंट ना पैंटी, तो इसको अभी डायपर पहनाया मैंने, मजबूरी। और बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि रात में पहनाती हूँ मैं डायपर, तो अभी पहना दिया है रात को 11 बजे, इससे पहले तक अगर ये मतलब भर जाता है या लीक होने लगता है तो मैं चेंज करके दूसरा पहना के सुला देती हूँ। सिर्फ रात को ही पहनाती हूँ, मैं खुद नहीं पहनाती हूँ इसे दिन में डायपर। तो जा रही हूँ बाहर, थोड़ा सा टहलूँगी, बारिश अभी नहीं हो रही है जैसा कि मैंने बताया, सुबह से हो रही थी अभी नहीं हो रही है, और इसको भी टहलाएँगे थोड़ा सा, फिर बनाएँगे डिनर। ठीक है चलो। सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और दक्ष हमारे सो गए हैं, तो हस्बैंड मेरे बाहर ही बैठे हैं, अंधेरा हो चुका है, लाइट जला दी है, चूल्हे में दक्ष को लटा दिया है, वो आ सो रहा है। मैं धीमे क्यों बोल रही हूँ,
क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि सब लोग बाहर हैं, एकदम सन्नाटा सा है। और मैं आई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। तो आज डिनर में मैं बनाऊँगी राजमा, जो कि मैंने भिगोने के लिए डाल दिए थे सुबह ही। तो ये भीग गए हैं अच्छे से, इनको धुलकर कुकर में चढ़ाते हैं और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। सो गाइस, ये राजमा यहाँ उबलने के लिए रख दिया है मैंने। तो इधर राजमा उबलता रहेगा और तब तक मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ और इसकी फ्राई, मतलब इसको तड़का देने की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। पहले मैं यहाँ पे कुछ लहसुन लहसुन की कलियाँ जो कि मैंने छील कर डाल दी हैं, और उसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा, इन सभी इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कूट के पीस लूँगी। और मैं लहसुन बहुत कम इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब अपने खाने में ज़्यादातर ला रही हूँ, क्योंकि लहसुन हमारी बॉडी में होना चाहिए, मतलब जाना चाहिए खाने के साथ में, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए कढ़ाई में। जैसे हीट होगा मैं हींग डाल दूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी, और उसके बाद मैंने मसाला तैयार करके रखा है, जो वो डालेंगे, जैसे कि ये लहसुन अदरक का पेस्ट एंड ये प्याज का पेस्ट, करीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे छोटे वाले, वो मैंने पेस्ट बना लिया है और इसको भून लेंगे। जैसे ये भुन जाएगा मैं इसमें बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर सब ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे बिकॉज नहीं तो मसाले जल सकते हैं आपके। उसके बाद मैं इसमें राजमा मसाला ऐड कर रही हूँ। आप इस राजमे को, मतलब आप राजमा मसाला जब ऐड कर रहे हैं, तो मैंने जब राजमा में इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, तो आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी। उसके बाद नमक ऐड कर दिया है, देन मैंने टमाटर नहीं ऐड किए इसमें क्योंकि घर में टमाटर नहीं थे, और आप लोग, मुझे नहीं पता था कि टमाटर घर में है या नहीं। अगर नहीं पता होता पहले से ही, मैं फ्रिज में देखना भूल गई थी, तो मैं मंगवा लेती। आपके पास हो तो आप ज़रूर से ज़रूर डालिए। उसके बाद ये देखिए मैंने राजमा डाल दिए हैं, एक बॉयल आ जाने देंगे, देन हमारे राजमा हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। सो आप भी ऐसे ही घर में राजमा बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा मेरे साथ, अपने स्वाद जो अच्छा लगता है कैसा है क्या है वो मेरे साथ शेयर करिएगा। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं, करेक्ट 9 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं न्यूज़ आ रही है 9 बजे वाली, जो कि मेरे हस्बैंड रोज देखते हैं। और ये देखो आद्या क्या कर रही है, आद्या भाई का झूला देखो कैसे सजा रही है, सजा रही हो आद्या, ये क्या कर रही हो? और वहाँ पे भाई नहीं है, आद्या का भाई ये रहे, कहाँ गए ये रहे दक्ष, कहाँ है दक्षू, ये मेरे दक्ष ओए ओए, सो के जग गए और दीदी के साथ खेल रहे थे और पापा के साथ खेल रहे थे और मम्मा खाना बना रही थी। तो राजमा बन गए हैं और फटाफट गर्मा गर्म रोटियाँ सेकते हैं और फिर सर्व करते हैं और खाते हैं। तो खाना खाने के बाद मिलते हैं हम आपसे, ओके। तो फ्रेंड्स चलिए आज आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, तो वो क्या है आपको पता है मैं किस वाले रूम में बैठी हूँ? इसी रूम में जिसमें मंदिर है। तो आपको दिखाया था मैंने कल वाले व्लॉग में कि यहाँ पानी भर गया था बहुत जोर का, तो कुछ समस्या हो रही थी जैसे कि मेरा गद्दा नीचे रह रहा था, वो गीला हो रहा था। अक्सर मैं यहाँ पे कपड़े उतार के लाई, टाइम नहीं मिला तय लगाने का, तो यहीं इसी रूम में रख देती थी, और बहुत कुछ गीला हो रहा था, उन्हें पानी भर रहा था। तो ये जो है वो बंद तो करा देंगे मेरे जो मकान मालिक हैं वो, इसको ऊपर वाली लड़की को आधा शोर मचा रही है। तो अभी तो टाइम लगेगा बंद कराने में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 दिन में तो हो जाएगा, लेकिन तब तक फिर जुगाड़ क्या किया है चलिए वो दिखाते हैं आपको। तो जुगाड़ है ये देखिए, ये बैठी आध्या, ये है जुगाड़। एक्चुअली जो हमारे ओनर है उन्होंने हमको एक फोल्डिंग दे दी है, ये देखिए है, और अच्छी खासी फोल्डिंग है, उस पर ये गद्दा एकदम बराबर सटीक का पहुंचा है, जितना बड़ा गद्दा है उतनी बड़ी फोल्डिंग है, तो एकदम परफेक्ट है ये। तो साइड में लगा दिया है और इसे बेडशीट अभी नहीं बिछाई है, मैं सोच रही पहले इसको गद्दे को थोड़ा बहुत हल्का सा गीला रह गया है वो सूख जाए। और आद्या बिल्कुल भी बात करने नहीं दे रही है, ये देखो आधे बहुत खुश है यहाँ पे, आधे उछलते नहीं है बेटा, है
नहीं तो ढीली हो जाएगी, वो फोल्डिंग है ना, रखा थोड़ी ना फोल्डिंग। तो यही दिखाने के लिए अभी मैं आप लोग को दिखाने के लिए कह रही थी। ये वो सेटिंग जो दिखाने चाहती थी मैं, और अच्छा लग रहा है। आप कैसा लग रहा है आप बताना। देखिए ये देखिए है, सही हो गया ना। तो चलिए इसको मैं कल अच्छे से थोड़ा डेकोरेट करूँगी, आई मीन बेडशीट वगैरह लगाऊँगी इस पर और कुशन वगैरह लगाऊँगी और पूरा तैयार करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये स्टिकर कान्हा जी का कैसा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। तो मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।